जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों टेररिस्ट्स की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा का एक संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सशस्त्र सीमा बल SSB राष्ट्रीय राइफल्स RR और जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम ने सजन बजारनी गांव के रहने वाले आदिल इकबाल भट्ट को थट्री में गिरफ्तार किया। आदिल को वाहनों की चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि संदिग्ध आतंकवादी के पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। उसके पास से एक पिस्तौल, दो मैगजीन और कुछ गोलियां बरामद की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इस समय पाकिस्तान से सक्रिय डोडा का आतंकवादी मोहम्मद अमीन उर्फ मुजामिल उर्फ हारून उर्फ उमर गिरफ्तार किए गए आदिल इकबाल भट्ट का आका है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लश्कर ए तैयबा LET के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि साजन बजनी गांव के रहने वाले आदिल इकबाल भट्ट को पुलिस के संयुक्त तलाश दल ने शनिवार को थोथरी में वाहनों की जांच के दौरान गिरफ्तार किया। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। 3 दशक पहले तत्कालीन सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली। उस समय से यह भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है और गहरे आंतरिक विभाजन को पाटने के प्रयास कर रहा है। यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी यूरोप के साथ खुद को एकीकृत करने का इच्छुक रहा है और देश के पूर्वी हिस्से ने हमेशा रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों का समर्थन किया है। यह सब फरवरी 2014 में शुरू हुआ जब दोनों के बीच तनाव चरम पर था हिंसक प्रदर्शनकारियों द्वारा यूक्रेन के रूसी समर्थक विक्टर यानुकोविच को हटाने के बाद। यूक्रेन के इतिहास के उस अध्याय को अब गरिमा की क्रांति के रूप में जाना जाता है। रिपोर्टों के अनुसार यह लगभग उसी समय था जब क्रीमिया को रूस द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था और उस समय यूक्रेन जोखिम में था क्योंकि वहां एक अस्थायी सरकार और अप्रस्तुत सेना थी। उस समय के दौरान रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेनी सरकारी बलों के बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में एक सशस्त्र संघर्ष हुआ था। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। बलूचिस्तान एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में एक समृद्ध पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में दावा करता है। पाकिस्तान के इस प्रांत के मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को 7,000 साल पुरानी सभ्यता के खंडहर मिले हैं। सामान्य और नैतिक दृष्टि से बलूचिस्तान का अर्थ बलूच लोगों की भूमि होगा। वे पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान और ओमान जैसे 4 निकटवर्ती देशों में फैले भौगोलिक भूमि द्रव्यमान में फैले हुए हैं। यही कारण है कि बलूच विद्रोही समूह जैसे कि BLA बलूच लिबरेशन आर्मी एक स्वतंत्र और ग्रेटर बलूचिस्तान चाहते हैं। ईरान में बलूच लोग सस्टेन और बलूचिस्तान के 2 प्रांतों में केंद्रित हैं जो 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं लेकिन कम आबादी वाले हैं जिनकी संख्या लगभग 3 मिलियन है। अफगानिस्तान में वे लगभग 10 लाख की आबादी के साथ कंधार और निमरोज जिलों के आसपास केंद्रित हैं। यह वहां से संचालित होने वाले BLA के लिए एक सुरक्षित अभयारण्य प्रदान करता है।